हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आई टेस्ट पेपर इससे पहले हमारे आर्ट पेपर रेडी हो चुके हैं या आज का पेपर हंड्रेड वर्ड पर मिनट से है जिसमें पाँच सौ रहेंगे यह डिक्टेशन चलेगा पाँच मिनट तक चलते हैं डिक्टेशन की ओर डिक्टेशन स्टार्ट होगी पाँच सेकेंड बाद रेडी स्टार्ट महोदय इसी सदन में पिछले सप्ताह दो राज्यों में राज्यपाल की रिपोर्ट पर बहस हुई थी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो पैरा महोदय इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल विभाग द्वारा किए गए इस खर्चे के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री जी को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है इसकी संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस मामले की जांच उच्च स्तर पर करवाते और यदि इसमें विभाग के किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाए तो उनको सजा दी जाती रेलवे विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने सरकार को इस बारे में नहीं बताया उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास ना करके मंत्री जी को कहें कि वह इसको वापस ले ले अगर आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं कि हमने विधेयक पेश कर दिया इसको पास होना ही चाहिए तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों काम कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि इस विधेयक में से एक रुपये की स्वीकृति संसद से लें और बाकी राशि की वसूली आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों से करें तो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं इस प्रकार का साहस आप दिखलाएंगे तो आपके ऊपर जो लापरवाही का आरोप बराबर लगाया जाता है उसको दूर करने में आप सफल हो सकेंगे महोदय यह विनियोग विधेयक है इसलिए इस पर लंबी चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसका लक्ष्य सीमित है लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी विलें लेट चलती हैं मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे तो यदि वे एक घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती थी लेकिन बंती बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है वह समाप्त हो यह बिल पचास पृष्ठों का है लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े या किस प्रकार के इसका कोई जिक्र नहीं हैं सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज ना मिले तो यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए फलस्टॉप फ्रेंड्स आज की डिक्टेशन होती है समाप्त आप लोग डिक्टेशन को लिखिए और इसका ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करने के बाद अपनी अपनी मिस्टेक निकालिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए Thank you.